गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो है एडवांस्ड एसक्यूएल स्टार्ट कर दी थी। हमने बात की थी कि किस तरीके से हम पीएल एसक्यूएल को इस्तेमाल करते हुए एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो कहलाती है एसक्यूएल पीएसएम, लेकिन हम जो है पीएल एसक्यूएल को देखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है और वो ओरेकल के अंदर मौजूद है। जी बेटा, पिछला टच कर रहा हूँ। तो हम एसक्यूएल कर्सर्स पे बात करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे बात करेंगे और ट्रिगर्स पे बात करेंगे और रिकर्सिव क्वेरीज के ऊपर बात करेंगे। तो समझने की बात यह है कि एसक्यूएल जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आप जो है कमांड्स देते हैं और आपको आंसर्स मिलते हैं, बल्कि एसक्यूएल जो है इट हैज़ बिकम अ फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द एक्सटेंशन दैट सपोर्ट्स एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एसक्यूएल पीएसएम। हम जो है पी एल एस क्यूएल पे बात करेंगे क्योंकि वो पॉपुलर है, ओरेकल पे इस्तेमाल होती है। देखिए, तीन हिस्से होते हैं किसी भी पी एल एस क्यू एल के ब्लॉक के। सबसे पहले आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, फिर बिगिन, और बिगिन के अंदर आप बॉडी लिखते हैं, फिर एक्सेप्शन के ब्लॉक के अंदर आप एक्सेप्शंस लिखते हैं, जो कि कोड के अंदर एक्सेप्शंस आ सकते हैं, उसको हैंडल किया जाता है। और फाइनली हम एंड ब्लॉक लगा देते हैं, एंड का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जिससे ब्लॉक एंड हो जाता है। ये बात हम कर चुके थे लास्ट टाइम। तो हमने देखा था वेरिएबल्स जो है उनकी डेटा टाइप्स वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात की थी हमने। उसके अंदर देखा था कि मुख्तलिफ तरह के इंटीजर डेटा टाइप्स भी हैं, डेसिमल डेटा टाइप्स भी हैं, वारचार डेटा टाइप भी है। तो आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख के उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है वी स्टाफ नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप वार चार टू है और 5 करेक्टर्स का होगा ये। इसके बाद हमने वी रेंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप नंबर रखी है और उसको हमने 600 डाल दिया। ये कॉलन 5 नहीं है, ये इज इक्वल टू है, कॉलन इज इक्वल टू 600। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेटाबेस में अगर स्टाफ नंबर है उसकी डेटाबेस में जो टाइप है हमारे वेरिएबल की भी वही टाइप हो जाए, तो हम लिख सकते हैं वी स्टाफ नंबर और स्टाफ डॉट स्टाफ नंबर परसेंट टाइप। स्टाफ के टेबल के अंदर, ये स्टाफ का टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टाफ के टेबल के अंदर जो स्टाफ नंबर है उसकी जो भी डेटा टाइप हो वही टाइप भी स्टाफ नंबर को मिल जाए। इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि एक पूरा रिकॉर्ड जो है वी स्टाफ रेक
उसकी टाइप वही हो जाए जो स्टाफ के टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उनकी जो भी डेटा टाइप है उसका एक रिकॉर्ड बन जाए या स्ट्रक्चर बन जाए। तो स्टाफ के अंदर चार कॉलम है, स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, स्टाफ एज, स्टाफ जेंडर। तो स्टाफ रैक के अंदर जो है स्टाफ आईडी भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा, सारी डेटा टाइप्स आ जाएंगी, उनकी टाइप्स भी वही होंगी। अगर स्टाफ आईडी की टाइप वार चार है तो भी स्टाफ रैक के अंदर भी स्टाफ आईडी की टाइप वार चार होगी। अगर स्टाफ एज इंटीजर है तो भी स्टाफ रैक के अंदर स्टाफ एज इंटीजर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्स के मुताबिक मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, आप लोगों की अटेंडेंस स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रही है और इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स शवाल में होंगे, ईद के फौरन बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं बेटा। और एग्जाम्स के मुताबिक ये बता दूं मैं कि अगर हालात ठीक हो गए इंशाल्लाह तो आपके एग्जाम्स जो है पेपर बेस्ड होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर हालात ठीक नहीं होते हैं तो आपके एग्जाम्स जो है ऑनलाइन होंगे फिर। और एग्जाम्स की वेटेज कम है, आपकी असाइनमेंट्स की वेटेज ज़्यादा है, जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उसकी वेटेज ज़्यादा है, 70% वेटेज असाइनमेंट्स की है। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, फिर डिक्लेरेशन के बाद जो सेकंड ब्लॉक है वो बॉडी है PL SQL की, उसके अंदर आप एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल को कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, वी स्टाफ नंबर के वेरिएबल को SG14 देना चाह रहे हैं, वी रेंट में 500 डालना चाह रहे हैं, या आप क्वेरी लगा के भी क्वेरी की जो रिजल्ट है वो आप जो किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं। लिख सकते हैं आप मिसाल के तौर पर सेलेक्ट काउंट स्टेरिक, काउंट निकला है इन टू एक्स, निकल के एक्स में चला जाए फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर स्टाफ नंबर इज इक्वल टू वी स्टाफ नंबर, जहाँ पे स्टाफ नंबर वी स्टाफ नंबर के बराबर हो वो वैल्यू उठ के जितना भी काउंट बन रहा है वो एक्स के अंदर चला जाए। इसी तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट से मुराद है एफ एल्स के स्टेटमेंट्स। तो अगर पोजीशन मैनेजर है तो सैलरी में 5% इजाफा कर दो, वरना सैलरी में 3% का इजाफा करो। ठीक है जनाब, अगर पोजीशन मैनेजर है, अब यहाँ पे देखें सिंगल इज इक्वल टू है, PL SQL के अंदर असाइनमेंट के लिए कॉलन इज इक्वल टू है और कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल्स है, डबल इक्वल्स नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक के बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने जो है इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं PL SQL के अंदर। तो इफ लिखा, ब्रैकेट में कंडीशन लिखा, देन लिखा और स्टेटमेंट लिख दी, एल्स लिखा, कंडीशन लिख दी अगर एल्स इफ लगा रहे हो, देन लिखा और स्टेटमेंट्स लिख दी वगैरह वगैरह, आखिर में एंड इफ लगा दिया। तो इस तरीके से हम जो है PL SQL की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, स्विच केसेस होते थे जिस तरीके से, वैसे ही यहाँ पे केस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो अपडेट स्टाफ, स्टाफ के टेबल को अपडेट कर दो, सेट सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी को क्या करना है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस हैं, केस व्हेन पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर देन सैलरी इनटू 1.05, अगर पोजीशन मैनेजर हो उस केस में 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो सैलरी को, और अगर पोजीशन मैनेजर नहीं है तो 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
लूप लगा सकते हैं, लूप एक्स इज इक्वल टू वन दिया आपने, माई लूप आपने एक लेबल दिया, लूप करा आपने एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। अच्छा यहाँ पे लूप में कोई कंडीशन नहीं दी जाती, कंडीशन लूप के अंदर लगाओगे और एग्जिट कराओगे लूप को, एग्जिट माई लूप, माई लूप को एग्जिट कर दो, वरना जो है ये लूप नॉर्मल एंड जो है एंड लूप माई लूप। ठीक है जनाब, अब इस लूप को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, एक से लेके 100 तक के नंबर जनरेट कराने हैं। ठीक है, जरा करके दिखाएं मुझे, 1 से लेके 100 तक के नंबर जनरेट कराने हैं लूप के थ्रू। 5 मिनट दे रहा हूं मैं। ठीक है जनाब, करें जरा इसको। आप शार कहाँ पर हैं? आप घर पे नहीं है, ऑफिस में, अपने कंप्यूटर पे करें, पे चैट पे भेजें, चैट पे सलूशन चाहिए मुझे। ये कजन जो है ना फंसवाएगा, कजन ही फंसवाता है हर किसी को। ठीक चलें जी, चैट पे करें और मुझे सलूशन चाहिए। एक से लेके 100 तक के नंबर जनरेट कराने हैं बेटा। हो गया, किसी ने करा तो चैट पे शेयर करें। उमेर हो गया तो शेयर करा दें बेटा चैट पे। जी बेटा, किसी ने करा? सिंपल सा है, यही कोड है, बस सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल्स भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू +1 होती रहेगी। नहीं आबशार, ये सी लैंग्वेज नहीं है, ये सी लैंग्वेज नहीं है कि आपने जो है सी की तरह कोडिंग कर दी। ये यही कोड लिखना पड़ेगा आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
इसका सिंटेक्स अलग है, ये सिंटेक्स के मार्क्स होंगे पेपर में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो अपना सिंटेक्स इस्तेमाल कर लें। सिंटेक्स अपना नहीं हो सकता, सिंटेक्स आपने ये याद करना होगा। जी तला बिल्कुल सही करा आपने। इसी तरीके से वाइल और रिपीट अंटिल का लूप है, वाइल और डू वाइल होता है ना, वैसे ही वाइल और रिपीट अंटिल है। अच्छा माहम का क्वेश्चन है कि इसको सॉफ्टवेयर पे कैसे करेंगे बेटा, ओरेकल पे करना पड़ेगा इसको, इंशाल्लाह ओरेकल पे भी कर सकते हैं, एसक्यूएल पे भी कर सकते हैं। ये आपको लैब में करवाएंगे सर मुदब्बिर, जब ट्रिगर्स पे काम करवाएंगे ना तो लैब में करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से वाइल की कंडीशन दी, वाइल कंडीशन दी, लूप चलाया और वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट्स चलानी है वो वाइल के अंदर लिखी और एंड लूप कर दिया लेबल के साथ। एसक्यूएल सर्वर पे काम कराएंगे जुनेद, इसी तरीके से रिपीट अंटिल है, रिपीट अंटिल जो है वाइल और रिपीट अंटिल में ये फर्क होता है कि वाइल का लूप हो सकता है कि एक दफा भी ना चले, लेकिन रिपीट अंटिल कम से कम एक दफा तो जरूर चलेगा। पहले वो चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। अच्छा मैं सर से बात करूंगा, मैं पूछ लेता हूँ किस पे काम करा रहे हो। नेवी कैट पे काम करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से फॉर लूप है, फॉर लूप पे कैसे काम करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने डिक्लेरेशन के ब्लॉक में एक वेरिएबल लिया नंबर ऑफ स्टाफ, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक इनटू नंबर ऑफ स्टाफ, काउंट की वैल्यू नंबर ऑफ स्टाफ के अंदर डाल दी और फिर लूप लगा दिया फॉर स्टाफ इन वन से लेके नंबर ऑफ स्टाफ तक, लूप चलाया और लूप की बॉडी आ गई। फॉर लूप भी लग सकता है इसी तरीके से।